वेलकम बैक नाज़रीन टू अनदर एपिसोड ऑफ अवर कुमराट वैली एंड जहाज़ बांडा सीरीज़। अभी तक आप पिछली एपिसोड्स में देख चुके हैं कुमराट वैली कैसे हम गए, वहाँ पे काला चश्मा हमने पॉइंट विजिट किया, वहाँ की आबशार देखी। उसके बाद आ गया मैं जहाज़ बांडा, यहाँ पे मैंने एक नाइट स्टे की और फिर मैं गया कटोरा लेक, वो भी आपने देख लिया। आखिरी जगह आपको आज मैंने जो दिखानी है वो मेरी सबसे फेवरेट है, दैट इज़ कुंड बांडा। तो जल्दी से इसको पैक करते हैं और चलते हैं कुंड बांडा की तरफ। तो जनाब जल्दी जल्दी मैंने अपना टेंट फोल्ड किया और एक कप चाय पीने के लिए बैठ गया। ये है ताजदीन, जिन्होंने आज से कई साल पहले सबसे पहला जहाज बांडा में हट बनाया और लोगों को इस पॉइंट की तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया। चाय शाय पीने के बाद अपने बैग उठाए और निकल पड़ा मैं कुंड बांडा की तरफ। वजन बहुत ज़्यादा है और कुंड बांडा का जो रास्ता है वो काफ़ी स्टीप है, तो बहुत एहतियात से हमने यहाँ पे कदम लेके चलना होता है। याद है एपिसोड 2 में मैंने आपको बताया था कि मैं जहाज़ बांडा में पानी की दूसरी साइड पे क्यों कैंपिंग करने जा रहा हूँ? उसकी यही वजह थी कि इस अगले पॉइंट यानी कुंड बांडा पे जो मैं जा रहा हूँ, इसकी एक्सेस सिर्फ और सिर्फ इसी साइड से है और बहुत से लोग ये पॉइंट ही मिस कर देते हैं और इसको बगैर देखे वापस चले जाते हैं। शाम होने वाली है, यहाँ पे रात गुजारनी है मैंने और उसके बाद सुबह सुबह उठ के फिर निकल जाना है वापस थल की तरफ। रास्ता जो है काफ़ी स्टीप है जैसे मैंने आपको बताया था, तो मैंने अपना एक बैग जो है वो अपने इधर जो पठान भाई हैं लोकल जो मुझे रास्ता दिखाने आए थे उनको दिया, वो बैग आधे रास्ते तक ले जाएंगे और जहाँ से रास्ता जो है वो नॉर्मल हो जाएगा या फ्लैट हो जाएगा फिर मैं उनसे बैग ले लूँगा अपना। लेकिन ये शुरू में वाकई बहुत ज़्यादा स्टीप है। मज़े की बात यह है कि सुबह इसी रास्ते से मैंने वापस ऊपर भी आना है और बस इस दरख्त के पास पहुँच के मैंने अपना बैग वापस पकड़ लिया। तो पठान भाई जो है वो हमें छोड़ के चला गया और अब इन पतले पतले रास्तों से होते हुए मैंने वो नीचे जाना है। यहाँ से शायद कैमरे की आँख से नज़र तो नहीं आएगा लेकिन ये है कि मुझे आबशार की आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा तेज़ यहाँ पर। सो स्लोली स्लोली चलते हैं, मिलते हैं नीचे, बिकॉज़ रास्ता थोड़ा ख़तरनाक है, बार बार कैमरा नहीं निकाल सकता मैं। और अगर कहीं बीच में फ्लैट जगह आ गई तो दिखा भी दूंगा आपको कोई ना कोई जो भी पाथवे है जो आप देखना चाहते हैं स्पेशली। ऐसे रास्ते में हाइकिंग स्टिक सही आपके काम आती है ताकि इस बारीक से रास्ते पे आप कदम रखने से पहले मिट्टी की स्ट्रेंथ भी देख लें और अगर कोई लूज पत्थर पड़े हुए हैं तो उनको भी हटा लें। जी मैंने आसानी के लिए किया ये है कि कैमरा अपनी बॉडी के साथ लगा लिया ताकि कोई सीन जो है मिस ना हो जाए, बिकॉज लोग सबसे ज़्यादा वीडियोज़ जो हैं वो ट्रैकिंग की इसलिए देखते हैं कि उनको ट्रैकिंग का जो रास्ता है उसका आइडिया हो जाए ताकि वो उसके मुताबिक प्रेपरेशन कर सकें। तो मैं तकरीबन मेरा ख़्याल है कोई 1/4 मैंने रास्ता जो है वो कवर कर लिया है और मैं स्लोली स्लोली जा रहा हूँ। कहाँ जाऊँ, एक रास्ता ये जा रहा है एक रास्ता ये नीचे जा रहा है, तो ऊपर ही रहता हूँ वरना यहाँ से मुझे स्लिप होने के चांस ज़्यादा लग रहे हैं। ओह फिसलने लगा था, बचत हो गई। नॉर्मली मैं जो छोटा बैग है वह बिल्कुल अपने फ्रंट पे पहनता हूँ लेकिन अब मैंने अपने साइड पे कंधे पे लटका लिया बिकॉज रास्ता इतना बारीक है कि वो नज़र ही नहीं आ रहा था। लेकिन ये है कि साइड से जो बैग है ना बार बार फिसली जा रहा है। ओह सीन बैड है, जब ज़्यादा स्टीप हो जाए तो आपको ज़िगज़ैग चलना चाहिए, इससे आपके पांव अच्छे जम जाते हैं। आई डोंट नो इस टाइम आपको कैमरे में नज़र आ रहा है या नहीं, दैट इज़ ब्यूटीफुल ब्लू स्ट्रीम ऑफ कुंड बांडा। अभी चलते हैं नीचे दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा फिर स्टीप आ गया सीन। सो दिस इज़ जहाज़ बांडा की वाटरफॉल, शोर बहुत ज़्यादा है। आई डोंट नो आपको मेरी
आवाज़ आ रही होगी या नहीं चेक करें। हमने लेकिन यहाँ नहीं जाना, हमने जाना है यहाँ पर। दिस इज़ कुंड बांडा, माय फेवरेट प्लेस इन दिस रीजन। जैसे जैसे मैं नीचे आता जा रहा था, मेरा एक्साइटमेंट का लेवल उतना ही ऊपर जा रहा था कि कब मैं इस लश ग्रीन ग्रास पे पहुंचूं और उस ठंडे ब्लू कलर्ड वाटर से अपने आप को रिफ्रेश करूं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक। ताज है आपका नाम? हाँ, मुझे ताज भाई नहीं बताया था जी। आपको ताज मिलेगा। बस ठीक है, ये वाला पहन ही रखता हूँ। अकेला है? अकेला। क्या नाम है आपका? बिलाल। बिलाल। सो नाज़रीन, फाइनली आई हैव रीच दैट कुंड बांडा। ये है खूबसूरत जगह। यहाँ पे ये छोटे से हट्स भी बन गए हैं, टेबल भी पड़े हैं, इन्होंने एक कैंप भी लगाया हुआ है विजिटर्स के लिए। और ये है वो खूबसूरत दरिया। ओह माय गॉड, क्या मैं इस सीन को अपने साथ लाहौर नहीं लेके जा सकता। वाव, वो सामने खूबसूरत घोड़े जो हैं वो घास चर रहे हैं। बहुत ही सुकून वाली जगह है, सुकून वाली। और ये दौड़ते हुए खूबसूरत घोड़े ऐसे लगते हैं जैसे कोई आप फिल्मी सीन देख रहे हो। चले जी, पहुंच तो मैं गया हूँ। आप लगाते हैं आप अपना कैंप इससे पहले कि शाम हो जाए। और ये जो है खाने छाने का कुछ देखेंगे बंदोबस्त, इन्होंने यहाँ पर कुछ किया हुआ है। लाइट सा खाना खाएंगे और फिलहाल लगाते हैं अपना कैंप। तो पानी के किनारे पे थोड़ी ऊंची जगह सेलेक्ट की और अपना टेंट सेटअप कर लिया। और ज़रा सोचें कि इस सीन के सामने बैठकर आप चाय पिएं तो कितना मज़ा आए ना। जी जनाब, वाकई बहुत मज़ा आया था। चाय का एक एक घूंट लेकर अपने दाएं और बाएं एक नए सीन को देखकर अपने आप को ऐसी फ्रेशनेस मिल रही थी जो वाकई अनबयानेबल है और सिर्फ वहां जाकर ही फील की जा सकती है। कैंप शैम्प लग गया भाई का। और लोकल लोग जो हैं वो मेहमान नवाजी जो है सबसे पहले चाय से करते हैं। इस खूबसूरत नज़ारे में चाय पीने का फिर अपना ही मज़ा है। कुछ लोग बता रहे थे कि इस ड्रैगननुमा वाटर स्ट्रीम को अगर फॉलो करते हुए आगे जाएं तो एक और वाटरफॉल आती है, लेकिन मैं आगे नहीं जा सका क्योंकि अंधेरा हो रहा था। और फिर खाना खाने के तौर पे मैंने ढाबे पे जाकर पानी गर्म किया और मैगी नूडल्स बनाकर खा लिए। सो नाज़रीन, फाइनली शाम हो गई है, रात हो गई है और अब मैं लेटने लगा हूँ। इस टाइम सिर्फ और सिर्फ पूरे कुंड बांडा के अंदर एक मेरा कैंप लगा हुआ है और दो चौकीदार हैं बाहर। दिस इज़ माई लाइफ टाइम एक्सपीरियंस के वन एंड ओनली माई कैंप इज़ हियर। और वो भी इतनी ज़बरदस्त जगह के ऊपर। मज़ा आएगा अब अर्ली मॉर्निंग जब मैं उठूँगा फजर के टाइम। सी यू देन इन द मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नाजरीन, कुंड बांडा में ठंडी ठंडी सुबह सुबह मॉर्निंग में आपका वेलकम। और रात को बहुत ही मज़े की मुझे नींद आई और हल्की हल्की जो पानी की गुजरने की आवाज़ है इतनी सूदिंग लगती है आपको। और एक तरफ आपको इधर जो आबशार है आपकी दूसरी तरफ उसकी जो आवाज़ आ रही होती है, प्लस रात को अगर आप इस तरफ देखें मेरे तो इतने खूबसूरत लगते हैं ये रात को। ये जो हॉर्सेज हैं उनकी हल्की हल्की रात को आवाज़ें आती थी। ये पानी के उस तरफ हैं, इस तरफ नहीं आते नॉर्मली, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त सीन था। मेरा नहीं ख्याल इससे ज़्यादा खूबसूरत और इससे ज़्यादा सुकून दे कैंपिंग की कोई जगह और होगी पाकिस्तान में। तो जनाब अभी सीन ये है कि मैंने कैंप की जो है अपनी पैकिंग शैकिंग करनी है
और फिर ऐसा करते हैं कि वो जो खूबसूरत किस्म के बेंच पड़े हुए हैं इस पे जनाब मैं अपनी जो कॉफ़ी के साशे अपने साथ लाया होता हूँ वो पानी गर्म करके कॉफ़ी शॉफी पीते हैं यहाँ पे, फिर आपको चिढ़ाने का ज़रा ज़्यादा मज़ा आता है मुझे। एक प्रॉमिस आपने करना है, मुझे पता है ये वीडियो देखने के बाद आपने ज़रूर आना है यहाँ पे। प्रॉमिस ये है कि आपने एक रैपर या एक गंद भी जो है वो इस जगह पे नहीं फैलाना। ये दो चौकीदार हैं जो यहाँ पे स्टे कर रहे होते हैं और वो हर तरह की सफाई का यहाँ पे ख्याल रखते हैं, तो आपने भी रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होते हुए यहाँ पे बिल्कुल भी गंद नहीं मचाना और इस जगह को बिल्कुल ऐसे ही खूबसूरत रहने देना जिस तरह ये यहाँ पर है। तो ये बेंच जो है इस टाइम ये मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मैं अंदर चलता हूँ ढाबे पे और पानी शानी गर्म करके फिर पीते हैं कॉफ़ी। लोकल्स यहाँ के बहुत हेल्पफुल हैं, स्पेशली जो चौकीदार हैं यहाँ पे खान साहब। मेरा तो ख्याल है वो जो पॉइंट है ना वहाँ पे जाके बैठते हैं, और वो पुल भी बना हुआ है वैसे थोड़ा सा ख़तरनाक है। अच्छा इन जगहों पे थोड़ा सा हाइजीन का इशू होता है, इस चीज़ को आपने ज़हन में रख के आना है। बहुत ज़्यादा नखरे नहीं करने होते आपने इन जगहों पे आके, बिकॉज बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। तो अगर तो आपको बहुत ज़्यादा हाइजीन का जो है ना ख्याल रखना है तो अपनी चीज़ें साथ लेकर आएँ, लेकिन अगर आप ये एक दो दिन यहाँ पे बर्दाश्त कर लेते हैं कुछ गंदी प्लेटें गंदे चम्मच या गंदे कप तो चलें, कोई नहीं, साल के दो दिन अगर ऐसे भी गुजर जाएँ तो कोई ख़ास मसला नहीं होता। तो फ़िलहाल फोकस आपका जो है वो इस खूबसूरती को इंजॉय करने की तरफ होना चाहिए। तो कॉफ़ी का मग उठाए मैं आ गया चलते चलते पानी के पास किसी अच्छी जगह पर बैठकर कॉफ़ी इंजॉय करने के लिए। अगर इस बेंच पे बैठ के पिया जाए तो कमाल नहीं हो जाएगा, या मेरे पास फिर ये बेंच है, चलिए पहले इस पे बीट लेते हैं। तो अब ज़रा यहाँ पे बैठ के जो आपको चिढ़ाने का मज़ा है ना भी एक अपना ही मजा है। ये आपके भाई का कैंप लगा हुआ है यहाँ पर, यहाँ से मैं वॉक करता हुआ इस पॉइंट के ऊपर आया हूँ इस वक्त। तो अब मेरा दिल चाह रहा है कि हाफ कॉफ़ी का कप जो है वो मैंने यहाँ पी लिया, अब इस पुल के ऊपर भी जाके बैठ के कुछ कॉफ़ी के जो है ना सिप यहाँ पे भी इंजॉय किए जाएँ। कॉफ़ी हो गई और फिनिश, और अब मैं चल रहा हूँ अपने कैंप का जो सारा सामान है उसको पैक करने, बिकॉज आज का सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा है। मुझे यहाँ से कुंड बांडा से जाना है, पहले जहाज़ बांडा, फिर वहाँ से तकरीबन 2-3 घंटे की डाउन हिल ट्रैकिंग है, वो फिर मैं जाऊँगा टकई बांडा, टकई बांडा से फिर मुझे जीप करवानी है, वहाँ से मैं जाऊँगा थल, थल से जाऊँगा मरदान, और मरदान से जाऊँगा मैं लाहौर। तो तकरीबन 2 दिन का सफ़र है यहाँ से जो मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर करना है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो टू द कैंप एंड पैक आवर बैग्स। ये सीन मुझे सबसे ज़्यादा सैड लगता है जब मुझे आखिरी दफ़ा अपनी चीज़ों को पैक करना होता है और वापसी का सफ़र स्टार्ट करना होता है। लो जी बैग शैक हो गए हैं पैक, और फाइनल चीज़ अब रह गई अपना कैंप, इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी से उतारते हैं और फिर हम लोग चलते हैं वापस ऊपर। जी फाइनली गुड बाय टू अवर वाटरफॉल एज वेल। बहुत ही ठाठे मारता हुआ पानी है और बहुत ज़्यादा शोर है, और ये है ऊपर से नज़ारा हमारे कुंड बांडा का, जिसको भी हम फाइनली बाय बाय करने लगे हैं। और अब मैंने जाना है वो ऊपर पहाड़ की चोटी पर चढ़ते हुए वापस जहाज़ बांडा की तरफ, सो लेट्स गो। तो ये तो थी मेरी फेवरेट कैंपिंग साइट कुंड बांडा। अगली लास्ट एपिसोड में मैं शेयर करूंगा यहां से वापसी का सफर और थल बाजार का फूड व्लॉग। सी यू देन।